हेलो एवरीवन, हाँ जी हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग में हमारा आज का टॉपिक होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर जिसको हम बोल सकते हैं डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए, आपने अब तक दो तरह के बॉन्ड को पढ़ा है, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और दूसरी आयनिक बॉन्ड बनती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर हम इसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड होगा व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय वन एटम बट शेयर्ड बाय बोथ ऑफ एटम टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट एंड द बॉन्ड फॉर्मड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोला उसने? व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्मड, जब एक बॉन्ड बनती है, देन द इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय वन एटम या इन विच द इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय वन एटम एंड शेयर्ड बाय बोथ ऑफ एटम्स एंड द बॉन्ड टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट सर, शेयर्ड बाय बोथ ऑफ एटम्स टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसने क्या बोला है कि एक बॉन्ड हमारे पास बनती है जिसमें एक सिंगल एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में आपको पता है कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग मींस एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होगा। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं 50-50% शेयरिंग, आधी साझेदारी। लेकिन जब कोवेलेंट बॉन्ड बनती है तो जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट तो एक ही एटम करता है लेकिन शेयर दोनों एटम करते हैं अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जैसे कोई भी बिजनेस होता है, अगर एक इंसान उसमें पैसा लगा देता है सारा और दूसरा इंसान उसको हैंडल करता है, ठीक है, तो वो बिजनेस दोनों का ही माना जाता है। ठीक है, तो वही यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम को डिफाइन करता है। ठीक है, कि डोनेट तो एक एटम करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन बट शेयर दोनों ही करेंगे, क्लियर है, उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब म्यूचुअली शेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है NH3 और BF3, NH3 का जब हम लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये शेयरिंग कर लेते हैं, क्लियर, ये म्यूचुअली शेयरिंग कर लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ, और इसके पास 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाता है। तो फिर मैं BF3 का अगर स्ट्रक्चर बनाता हूं, ग्रुप 13 एलिमेंट है, बोरोन, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होते हैं,
फ्लोरीन है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होते हैं। हाँ जी, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होंगे। शेयरिंग कर लेते हैं। हाँ जी, फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। हाँ जी, लेकिन नाइट्रोजन है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, 2, 4, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ठीक है। हाँ जी, तो हम क्या कर सकते हैं, जो BF3 मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, बट इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, BF3 मॉलिक्यूल के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, हालांकि उसके पास भी फालतू इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसकी भी ऑक्टेट इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होती है। क्लियर है? हाँ जी, तो मेरे पास जो बॉन्ड बनती है वो बनती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, और उसको मैं शो करता हूं NH3 एक एरो से, BF3 NH3 BF3, क्लियर है, मतलब डोनेट तो एक ही एटम करेगा, लेकिन उसको शेयर उन इलेक्ट्रॉन्स को जो डोनेट किए गए हैं उसको शेयर दोनों ही एटम करेंगे। जैसे अब मैं नाइट्रोजन का केस देखता हूं तो 6 तो इलेक्ट्रॉन यहां पर है उसके और 2 ये है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। BF3 को देखता हूं, 6 तो इलेक्ट्रॉन यहां पर है बोरोन और फ्लोरिन की बॉन्ड पे और 2 यहां पर है। क्लियर है? तो इस केस में मैं इसको क्या बोलता हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हां जी, या फिर मैं बोल सकता हूं डेटिव बॉन्ड, डेटिव डेटिव बॉन्ड। हाँ जी, तो इसमें मुझे एक बात पता चला कि हमारे पास मिनिमम एक तो डोनर एटम होना चाहिए, जहां नाइट्रोजन यहां पर क्या है, डोनर एटम, क्लियर है, और एक हमारे पास एक्सेप्टर एटम होना चाहिए, एक्सेप्टर एटम, डोनर एटम जो डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करता है और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी, और भी एग्जांपल हम इसके देखते हैं, जैसे हमारे पास है SO2 मॉलिक्यूल, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सबसे पहले तो मैं स्केलेटन बना लेता हूं इसका, स्केलेटन बना लेते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 16 पीरियड एलिमेंट है, और सल्फर भी 16 पीरियड एलिमेंट है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हाँ जी, इसके साथ तो ये क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए इसने, तो मैंने देखा इसके पास इसकी 2 बॉन्ड बन चुकी है, ठीक है। हाँ जी, तो ये ऑक्टेट इसकी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ जी, और सल्फर की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है, सल्फर की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि 2, 4, 2, 6 और 2, 8 ऑक्सीजन की कंप्लीट, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 सल्फर की कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। हाँ जी, अब मेरे पास ये जो ऑक्सीजन है इसकी 6 इलेक्ट्रॉन है, बट इसके पास भी फालतू नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, शेयर दोनों एटम करेंगे, डोनेट एक एटम करेगा, क्लियर है, और उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट NH4 का केस हम कर लेते हैं, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन NH4 का केस करते हैं, नाइट्रोजन है, अमोनिया है हमारे पास,
NH3 और एक लोन पेयर उसमें प्रेजेंट होता है, क्लियर है? हाँ जी, H पॉजिटिव आयन है जो कि एक्सेप्टर होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, क्लियर है? हाँ जी, तो ये हाइड्रोनियम आयन मेरे पास प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो अमोनिया क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ठीक है? और ये बन गया मेरे पास NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और H या फिर NH4 पॉजिटिव, क्लियर है? तो ये भी क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट। इसकी भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गई है और इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट होती है। अगर मैं इसकी वैलेंस बॉन्ड अप्रोच निकालता हूं, देखिए अमोनियम आए नहीं है, अगर मैं वैलेंस बॉन्ड अप्रोच इससे क्या करता हूं, निकालता हूं, तो वैलेंस बॉन्ड अप्रोच क्या बनेगी इसकी? मुझे पता है कि जो अमोनिया है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसके पास प्रेजेंट होती है, तो ठीक है मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना देता हूं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम बना लेते हैं, ये आ गया मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हाँ जी, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्लियर है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तीनों हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, तो ठीक है 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, 1s ऑर्बिटल, और ये मेरे पास बचा क्या, लोन पेयर, तो ये मेरे पास बन गया NH3, क्लियर है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब H पॉजिटिव आयन मींस 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी या फिर 1s में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो 1s में बना लेता हूं, स्फेरिकल ही होगी, 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है? तो अब मेरे पास ये क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैं इसको डोनेट कर दूंगा, ठीक है? और मेरे पास जो अमोनियम आयन होगा वो इस तरह से होगा, उसका जो ऑर्बिटल डायग्राम होगा वो इस तरह से होगा, हाँ जी, हाइड्रोजन पहले से ही प्रेजेंट थे, ये तीनों पहले से ही हाइड्रोजन प्रेजेंट थे और ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्लियर है? और ये बन गया NH4 पॉजिटिव आयन, अमोनियम आयन, क्लियर है? ये इसका वैलेंस बॉन्ड अप्रोच था, क्लियर है? हाँ जी, तो ये था मेरे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम बात करते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेजोनेंस होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन मींस अपनी लोकेशन को चेंज करना, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जी, अपनी लोकेशन को चेंज करना मींस अपनी पोजीशन को चेंज करना, ठीक है? हाँ जी, ये अराइज कहां से हुआ, रेजोनेंस जो कंसेप्ट है अराइज कहां से हुआ, देखिए हमारे पास लिविस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है? ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के लिविस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? लेकिन जो वो लिविस स्ट्रक्चर है वो उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है? उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लाई करते हैं, उस मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लाई करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है? तो उन्हीं स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो उस मॉलिक्यूल की मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। और वो एक से ज्यादा जो स्ट्रक्चर है उस मॉलिक्यूल के, उनको हम सबको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है? हाँ जी, तो हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल ए सिंगल लिविस स्ट्रक्चर
ए सिंगल लिविस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, कैन नॉट या कांट एक्सप्लेन द एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मॉलिक्यूल, दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, जो एक सिंगल स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल लिविंग स्ट्रक्चर है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, देन द मॉलिक्यूल हैव मैनी स्ट्रक्चर, देन द मॉलिक्यूल सपोज टू हैव मॉलिक्यूल सपोज टू हैव मैनी स्ट्रक्चर्स, मैनी स्ट्रक्चर्स, बट लेकिन उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, बट नन ऑफ द स्ट्रक्चर डजंट एक्सप्लेन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ जी, लेकिन उनमें से भी जो भी स्ट्रक्चर है वो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करते। ठीक है, हाँ जी, तो द एक्चुअल स्ट्रक्चर इन बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज। इनमें से ही एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, द एक्चुअल स्ट्रक्चर इन बिटवीन ऑफ दीज कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल एंड इट इज कॉल्ड, और उसको हम बोलते हैं, एंड इट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो ये स्ट्रक्चर बने हैं, ये सारे जो स्ट्रक्चर बने हैं उनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। एंड दीज स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्लियर, उसने क्या बोला है कि एक सिंगल लिविंग स्ट्रक्चर है वो पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो मॉलिक्यूल के बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन वो सारे स्ट्रक्चर भी उस मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या होगा, उनमें से ही एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि क्या करेगा, उस मॉलिक्यूल की ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, और जो बाकी जो स्ट्रक्चर बचे हैं उनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है, हाँ जी, कुछ एग्जांपल हम करते हैं रेजोनेंस के। हाँ जी, जैसे हम O3 का स्ट्रक्चर निकालते हैं, ओजोन का लिविंग स्ट्रक्चर हमें पता है या फॉर्मल चार्ज हमें पता है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज O3 एक स्केलेटन बना लेते हैं, कम से कम एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और अगर ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता है, मुझे पता था अगर ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता है इसको तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास -1 चला जाता था, इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ +1 आ जाता है। तो एक बॉन्ड तोड़ दी तो -1, या एक बॉन्ड बनाता है तो -1 चार्ज, इस पे भी -1, इस पे भी -1, और दो बॉन्ड बना रहा है जैसे वाटर के केस में तो 0 चार्ज होता है इस पे। ठीक है,
ये ट्रिक हमने कर ली थी। तो ओवरऑल चार्ज कितना है? माइनस टू। लेकिन ओ थ्री पे एक भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ट्रिक में हमने ये भी बोला था कि दो चार्ज को रिमूव करना है तो हम एक बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है, माइनस सी दो चार्ज है, हाँ जी, इसको रिमूव करना है तो मैं एक बॉन्ड लगा देता हूँ कहीं पर भी, ठीक है, हाँ जी। ऑक्सीजन दो बॉन्ड, अब फॉर्मल चार्ज निकालिए, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तो जीरो चार्ज, ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता है तो माइनस वन चार्ज, और ऑक्सीजन क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो तीन बॉन्ड बनाता है, H3O पॉजिटिव आयन जब बन जाता है तो कितना चार्ज होता है? प्लस वन चार्ज, ठीक है, हाँ जी। ओवरऑल चार्ज कितना बचा? जीरो हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया है किसका? ओजोन का, क्लियर है, ओजोन का मेरे पास ये स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज से मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है? अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा, ठीक है, हाँ जी। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इसका ये बना और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये बनेगा, क्लियर है। ओ नेगेटिव यहां पर आ गया, डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव चार्ज एट द टेस, क्लियर, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए। अगर मैं बात करता हूं इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर की, हाँ जी, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस तरह से मैं बना सकता हूं? कभी जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पाई बॉन्ड बन रही है, दो बॉन्ड बन, डबल बॉन्ड बन रही है, पाई इलेक्ट्रॉन कभी इस बॉन्ड पे आ रहा है, कभी इस बॉन्ड पे आ रहा है, तो इस तरह से ये क्या करेगा? मूव करता रहेगा दोनों तरफ, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा कम होती है, और अगर एनर्जी कम है तो इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होती है, क्लियर है, हाँ जी। और भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं, CO2 मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हम बता सकते हैं इसकी, एक स्केलेटन बना लेते हैं या फॉर्मल चार्ज से, हाँ जी। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन के पास चार होते हैं, ऑक्सीजन के पास सिक्स होते हैं, ठीक है, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, तो 16 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है, हाँ जी। 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ठीक है, हाँ जी। ये क्या करेगा? शेयर कर लेगा, 8 कंप्लीट हो गए, 8 कंप्लीट हो गए, और इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, और इनके पास प्रेजेंट है दो दो लोन पेयर, दो दो लोन पेयर, ठीक है, हाँ जी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं इसका बना सकता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका हम बना सकते हैं, तो बनेगा ये, हाँ जी, ऑक्सीजन आ गया, इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है तो पॉजिटिव चार्ज, या फिर फॉर्मल चार्ज से आपको पता है अगर ऑक्सीजन तीन बॉन्ड बनाता है तो प्लस वन चार्ज आ जाता है, ठीक है, हाँ जी। यहां पर आ गया एक बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दो लोन पेयर तो प्रेजेंट होते ही हैं। तो आपको पता भी है फॉर्मल चार्ज से कि अगर ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता है तो माइनस वन चार्ज, ठीक है, चार बॉन्ड बनाता है तो कार्बन जीरो चार्ज होता है। तो ये आ गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजोनेटिंग एनर्जी की, रेजोनेटिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोनेटिंग एनर्जी, रेजोनेटिंग एनर्जी, रेजोनेटिंग एनर्जी होता है द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। इट इज द डिफरेंस इन एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड द मोस्ट स्टेबल, द मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। उसने क्या बोला है कि रेजोनेंस हाइब्रिड और जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है उसके बीच की जो एनर्जी का गैप है
उसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, हाँ जी, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जांपल है मेरे पास नाइट्राइड आयन का, N3 नेगेटिव, नाइट्राइड आयन N3 नेगेटिव। सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं नाइट्राइड आयन का। तीन नाइट्रोजन है मेरे पास, तो मैं एक स्केलेटन बना लेता हूं। कम से कम एक बॉन्ड तो प्रेजेंट होगी, एक बॉन्ड प्रेजेंट होगी। नॉर्मली जो नाइट्रोजन है वो तीन बॉन्ड बनाता है, नॉर्मली नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है और एक उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं जब नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है तो जीरो चार्ज होता है, और जब नाइट्रोजन दो बॉन्ड बनाता है तो मतलब एक बॉन्ड मैंने तोड़ दी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड तोड़ी है, तो एक चार्ज जाएगा। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 इसके पास जाएगा, +1 इसके पास जाएगा। ठीक है, तो मैं अब बता सकता हूं कि जो नाइट्रोजन है जब दो बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाता है। फिर मैंने एक और बॉन्ड तोड़ दी, हाँ जी, अब एक और -1 इस पे चला गया और एक +1 इस पे चला गया, और मैं बोल सकता हूं कि जब नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाता है तो -2 चार्ज आ जाता है। नाइट्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है तो -2 चार्ज आ जाता है, नाइट्रोजन जब दो बॉन्ड बना रहा है तो -1 चार्ज आ रहा है, नाइट्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है तो -2 चार्ज आ रहा है, ओवरऑल चार्ज मेरे पास हुआ -5। हाँ जी, अब मुझे पता है मुझे चाहिए -1 चार्ज, मुझे पता है दो चार्ज को रिमूव करता हूं मैं एक बॉन्ड लगाने से। अब मैं चार चार्ज को तो रिमूव कर सकता हूं अगर दो बॉन्ड लगा दूं, तो ठीक है मैं अपनी मर्जी से ही कहीं पर भी दो बॉन्ड लगा देता हूं। ठीक है, अब दोबारा फॉर्मल चार्ज, नाइट्रोजन जब दो बॉन्ड बनाता है तो -1 चार्ज, नाइट्रोजन जब चार बॉन्ड बनाता है, अभी हमने किया था NH3 के पास लोन पेयर होता है और वो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है और वो क्या बना देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जब चार बॉन्ड बनाता है तो +1 चार्ज, दो बॉन्ड बनाता है तो -1 चार्ज। ठीक है, हाँ जी, ओवरऑल चार्ज कितना बचा, -1, तो मतलब मेरा स्ट्रक्चर ठीक है, क्लियर है। एक तो मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना, हाँ जी, अगर मैं इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास ये बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैंने करवा दिया, तो ये आ गया मेरे पास -1, यहां पर प्रेजेंट था, एक और -1 आ गया, या -2 मैं लिख सकता हूं। ठीक है, एक बॉन्ड आ गया एन, तीन बॉन्ड आ गया और एन। ठीक है, नाइट्रोजन अब देख सकते हैं, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है तो जीरो चार्ज, नाइट्रोजन चार बॉन्ड बनाता है तो +1 चार्ज, नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाता है तो -2 चार्ज। ठीक है, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास ये आ गया, और ओवरऑल चार्ज क्या हुआ, -1, जो कि मुझे चाहिए था। ठीक है, हाँ जी, तो इसमें मुझे रेजोनेटिंग एनर्जी निकालनी है इसकी, और रेजोनेटिंग एनर्जी क्या होता है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी और मोस्ट स्टेबल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी का डिफरेंस। तो मान लो मुझे पता है रेजोनेंस हाइब्रिड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और सबसे ज्यादा कम उसकी एनर्जी होती है, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी ये है। ठीक है, हाँ जी, अब मुझे ये पता करना कि स्ट्रक्चर फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है या स्ट्रक्चर सेकंड ज्यादा स्टेबल है, इसको मैं देख सकता हूं। यहां पर -1 चार्ज है और यहां पर भी -1 चार्ज है। ठीक है, लेकिन इस नाइट्रोजन पे -2 चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इस पर सबसे ज्यादा है क्योंकि एक ही एटम पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और इस पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है क्योंकि तीसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन जल्द एक दूसरे के ज्यादा क्लोज है या एक ही एटम पर प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, रिपल्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी और एनर्जी ज्यादा होगी, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर की एनर्जी कम होगी, सेकंड स्ट्रक्चर की एनर्जी ज्यादा होगी, और जो ये एनर्जी गैप आया है वो होगा हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, और
जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी, एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। जैसे बेंजीन है, हम बेंजीन को हम स्टेबल मानते हैं क्योंकि वो एरोमेटिक होता है, ठीक है, और उसकी जो एनर्जी होती है वो 36 किलो कैलोरी होती है, ठीक है, तो इसलिए वो स्टेबल होता है। तो ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे आपके टॉपिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और रेजोनेंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर